अलीगढ़ के होटल धीरज पैलेस स्थित सिटी क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले पर आधारित हिंदी फीचर फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर भूपेंद्र सिंह और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डॉक्टर पंकज धीरज ने बताया कि फिल्म राष्ट्रीय माता सावित्री बाई की शूटिंग जल्द ही अलीगढ़ में शुरू की जा रही है। बोला जा सकता है और सावित्री जी का मतलब कैरेक्टर ही ऐसा था, चरित्र ही ऐसा था कि शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, तो हम इसको कमर्शियल फिल्म को अक्सर इस तरह की मूवी में बहुत ज़्यादा मतलब विवाद हो जाता है, पीरियाडिक फिल्म जो होती है, इसमें क्या टू द पॉइंट स्टोरी रहेगी जो छात्र, या इसमें कुछ अलग से आप मसाला डाल? मसाले तो नहीं, देखिए मसाला अभी बार बार मसाले का नाम आ रहा है, मसाला मीट में भी पड़ता है, मसाला बाटी चोखा में एक मतलब था हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे मसाले वही रहें जो हमारे स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए और हमें स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करें। सावित्री बाई ने कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया था। आज हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में बड़ी कुरीतियाँ हैं, 3 तलाक का मसला है, है ना, पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा उस समय तो पर्दा प्रथा बहुत था, आज भी है मुसलमान है, तो इस मैसेज के माध्यम से मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? देखिए सबसे पहले ना सावित्री जी ने ना कुरीतियों को हटाने के लिए शिक्षा को सबसे ज्यादा फोकस किया था, हम इस फिल्म से आज भी शिक्षा, आज मुसलमान वर्ग का आपने नाम लिया क्यों, मतलब वो कुरीतियाँ अभी भी हैं क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा का जो स्तर है अन्य मतलब समाज की महिलाओं से कम है, इसलिए वहाँ पे अभी भी कुरीतियाँ हैं। ये फिल्म देखने से अगर मुस्लिम महिलाएं भी शिक्षित होना शुरू कर देंगी, अच्छी शिक्षा लेना शुरू कर देंगी, तो ये पर्दा प्रथा उनके साथ जो 3 तलाक वाले मसले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए हम लोगों के लिए बड़ा ही एक हर्ष का विषय है, खासकर सिने जगत प्रेमियों के लिए, कि हम लोगों की टीम जिसमें भूपेंद्र सिंह जी और श्याम चरण जी और मैं पंकज धीरे जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने अभी एक नया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो सक्सेस होने के लिए बना रहे हैं, प्रयास ये है कि राष्ट्रमाता सावित्री बाई, एक सावित्री बाई फुले जी ऐसी शख्सियत जो 1831 में महाराष्ट्र में जन्मी, नायागांव में जन्मी और महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एक शिक्षिका की भूमिका निभाने के साथ एक प्रधानाचार्य की भूमिका निभाई और उन्होंने देश के अंदर समाज के अंदर महिला शिक्षा की जनजागृति पैदा करी, और वो भी तब जब महिलाओं के प्रति सबसे बड़ा दुर्वास रहा करता था, दिक्कत रहा करती थी, पर्दा पड़ता थी और उनको शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी घृणा नहीं करने दी जाती थी, इवन तक कहीं भी मूवमेंट भी उन्हें नहीं होने दिया जाता था, उस दौर में उन्होंने शिक्षा की अलग जलाई और सबसे बड़ा उसका लाभ मिला कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें एकत्र हुई है सारी चीजें, और एकत्र होने के साथ महिला जगत में आज महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो उत्तर प्रदेश के और भी कई अन्य प्रदेश है, महिलाओं के प्रति शक्ति अभियान सशक्त अभियान चल रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं महिला शिक्षा का ही एक बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हुआ उस दौर में जो आज हम सब लोग देख रहे हैं। ये हिंदी फीचर फिल्म है, बड़े पर्दे की फीचर फिल्म है और इसकी शूट बहुत जल्दी होगी, इसमें कार्य शुरुआत हो चुकी है और कई सारे मुंबई के कलाकार हैं, कई सारे हमारे उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं, और ये फिल्म हम लोगों का प्रयास है कि एक समाज को अलग शिक्षा का संदेश दे जिसका हम लाभ अब ले रहे हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।